हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हैं गुम है किसी के प्यार में। आज की कहानी में क्या है, चलिए देखते हैं। इसके पहले जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं। सभी आई है भवानी से आशीर्वाद लेने के लिए। तो वो जानती है कि उसने अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत तो कर ली है, लेकिन क्या भवानी उसे आशीर्वाद देगी? क्या भवानी उसे माफ़ कर पाएगी? क्या भवानी इस बात को भुला पाएगी कि वो उसके घर से शादी के मंडप से छोड़कर भाग गई थी? क्योंकि भवानी के लिए सबसे ज़्यादा उसकी इज्जत प्यारी है। सोसाइटी में लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, यही भवानी के लिए सबसे ज़्यादा मैटर करता है। और आप सभी ने जब ईशान से शादी कर ली है, ऐसे में वो एक बार फिर से लौट आई अपने घर। दरअसल ईशा चाहती है कि शादी के बाद सभी अपनों का आशीर्वाद लेने आए। वो इसीलिए सभी को ईशान के साथ लेकर आई है। हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर भले ही आ गई है सभी, लेकिन वो सभी भवानी ने उससे मिलने के लिए साफ मना कर दिया है। उसे माफ़ करने के लिए बिल्कुल ही मना उसने कर दिया है। इस बार वो आ गई है, मगर वो कभी घर वापस ना आए, भवानी ने ऐसा बोला है। आई हमने सारे रिश्तेदारों से और सबसे बोल दिया है कि हमारा सभी से कोई रिश्ता नहीं है, और हमने सभी के सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं। उसने सभी को साफ कह दिया है कि तुम मेरी कोई नहीं हो, तो मैं नहीं जानती हूँ तुम कौन हो। लेकिन अभी भी अपने घर वालों की चिंता करती है सभी, और अपना मानती है उन्हें, लेकिन भवानी उसे अपना नहीं मानती है। और सभी अपनों के सपनों को पूरा करना चाहती थी सभी, और इसीलिए भाग गई थी वो घर से। यहाँ भवानी को उसके सपनों की परवाह नहीं है, बल्कि उसको अपने नाम की परवाह है, उसको अपने इमेज की परवाह है, उसको अपने इज्जत रुतबे की परवाह है। उसे सभी की कोई चिंता नहीं है। उसके आने पर उसने कहा कि तुमने साबित कर दिया कि तुम सही की बेटी हो। जिस तरह सही थी उसी तरह तुम भी हो। तुमने जो किया वो बहुत गलत किया। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या सभी को भवानी माफ़ करेगी या नहीं?